तुम्हें हम माँ ज्वाला की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके सुनने से भक्तों के दुख मिट जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं आज तुम्हें हम माँ ज्वाला की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके सुनने से भक्तों के दुख मिट जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं सती ने हवन कुंड में किया जो आत्मदाह, जलती चिता को लेकर शिव ने फिर तांडव है किया। जहां गिरे थे अंग वही है शक्ति पीठ कहलाए, माँ ज्वाला का धाम उन्हीं शक्ति पीठों में आए। कहते हैं कि यहां गिरी थी माता की जिव्या, इसीलिए इस शक्ति पीठ का ज्वाला नाम हुआ। दिन और रात निकलती यहाँ एक अद्भुत ज्वाला, दर्शन बड़े अलौकिक है और माँ का तेज निराला। किस्सा ध्यानु भक्त का अब हम तुम्हें सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके सुनने से भक्तों के दुख मिट जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं है तेरे हजारों नाम तो बिगड़ी बनाएगा, है तेरे हजारों नाम तो बिगड़ी बनाएगा। एक माँ का था जिसका ध्यानो नाम, लीन रहे वो माता की भक्ति में सुबह शाम। समय समय पर वो माँ के दरबार में जाता था, अपने संग कई भक्तों को भी वो ले जाता था। एक बार वो दर्शन करने चला था माँ के द्वार, साथ में ध्यानु अपने भक्त लिए थे कई हजार। जोर जोर से बोल रहे सब माता के जयकारे, अकबर की सेना ने देखा किसको है ये पुकारे। पकड़ के सबको अकबर के दरबार ले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके सुनने से भक्तों के दुख मिट जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं है तेरे हजारों नाम तो बिगड़ी बनाएगा, है तेरे हजारों नाम तो बिगड़ी बनाएगा। अकबर ध्यानु से के तुम कहाँ जाते हो, कौन वो माता है जिसकी जयकार बुलाते हो। बोले ध्यानु है माता वो जग को पालने वाली, लाज रखे अपने भक्तों की करती है रखवाली। बोला अकबर आज मैं देखूं तेरी माता की शक्ति, करते हो पाखंड या तेरी सच्ची है ये भक्ति। इतना कहकर फिर अकबर ने एक घोड़ा मंगवाया, सबके सामने उस घोड़े का सर फिर तो कटवाया। जिंद
जिंदा करके इसे दिखाओ। हुक्म सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके सुनने से भक्तों के दुख मिट जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, है तेरे हजारों नाम तो बिगड़ी बनाए काम, है तेरे हजारों नाम तो बिगड़ी बनाए काम। बोले ध्यानु मैं तो सेवक माँ का छोटा सा, कोई चमत्कार करके ना मैं आपको दिखला सकता, लेकिन अपनी माता से मैं करूँगा ये विनती, जिंदा हो सकता है राजन ये घोड़ा तब ही। दो आज्ञा मुझे माँ के भवन में करने की प्रस्थान, तब तक तो इस मृत घोड़े को रखना इसी स्थान। है मेरा विश्वास ये माता करके दिखलाएगी, काटी है जो गर्दन इसकी फिर से जुड़ जाएगी। ले भक्तों को फिर वो माँ के भवन में जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके सुनने से भक्तों के दुख मिट जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, है तेरे हजारों नाम तो बिगड़ी बनाए काम, है तेरे हजारों नाम तो बिगड़ी बनाए काम। हित ही ध्यानु माँ की शरण में आए, हाथ जोड़ कर माता को सब बातें दी बतलाए। कर दो घोड़े को जिंदा माँ मेरी विनती है, भक्तों की फरियाद हमेशा माता सुनती है। करता ही रहा माँ से विनती ध्यानु बारंबार, माँ के प्रसन्न होने के पर दिखे नहीं आसा। सोचे ध्यानु जो वो घोड़ा जिंदा नहीं हुआ, अकबर से जाकर हे माता फिर मैं कहूँगा क्या। काट के अपना शीश वो माँ के चरणों चढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके सुनने से भक्तों के दुख मिट जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, है तेरे हजारों नाम तो बिगड़ी बनाए काम, है तेरे हजारों नाम तो बिगड़ी बनाए काम। माता के चरणों जो ध्यानु ने शीश चढ़ाया, अपने भक्त पे फिर माता को तरस बड़ा ही आया। बोली माता हे ध्यानु तेरी सच्ची भक्ति है, जिंदा हो गया घोड़ा माँ में इतनी शक्ति है। ध्यानु का भी कटा शीश जुड़ा मिला प्राण का दान, हाथ जोड़ कर ध्यानु ने माता को किया प्रणाम। हो गया घोड़ा जो जिंदा अकबर हैरान हुए, देखने को माँ की शक्ति सैनिक है भेज दिए। देख के जलती ज्योत उसे बंद करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं,
जिसके सुनने से भक्तों के दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ी बनाए काम। हे तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ी बनाए काम। देखा उन्होंने माता की ज्वाला को जलते हुए, उसे बुझाने के लिए तो यत्न कई किए। भारी लोहे के तवे को ज्योत के ऊपर रखा, फड़ लोहे की ज्योत मात की ऊपर गई है या। फिर भी सैनिक ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, नहर का रुख तो ज्योत के ऊपर है मोड़ा। उस ज्वाला को फिर भी सैनिक बुझा नहीं पाए, हार के वापिस लौट के वो अकबर के पास आए। किस्सा सारा वो अपने राजा को सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके सुनने से भक्तों के दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अपनी सेना के मुख से माँ की महिमा को सुना, अपनी सभा में अकबर ने विद्वान लिए हैं बुला। कहने लगे विद्वान है, राजन कर लो पश्चाताप, जाओ माँ के भवन भेंट को लेकर खुद ही आ। शरणागत की लाज हमेशा रखती महारानी, कहीं जो विद्वानों ने बात वो अकबर ने मानी। लेके सवा मन सोना फिर तो एक छतर बनवाया, लेके छत्र वो नंगे पाँव माँ के भवन में आया। सोने से बना छत्र वो माँ को भेंट चढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके सुनने से भक्तों के दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अकबर है मैया, मैं तेरे द्वारे आया, शुद्ध समामन सोने का है, मैंने छत्र चढ़ाया। कर माता रानी ये तुम भेंट मेरी स्वीकार, लेकिन राजा होने का अकबर को था अहंकार। ना जाने वो है जगपालक स्वयं माता ज्वाला, गिर के खंडित हुआ छत्र वो पड़ गया था काला। किसी धातु का नहीं रहा वो आज भी वहीं पड़ा, पश्चाता फिर तो अकबर को भी है हुआ बड़ा। ध्यानु भक्त से अपने किए की माफी चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके सुनने से भक्तों के दुख मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ी बनाए काम। हे तेरे हजारों नाम, तू
से कर दो। फिर तो ज्वाला माता ध्यानों की बात सुनी, भक्तों की विनती सुनती है माता जग जननी। बोले ध्यानों हर कोई अपना शीश चढ़ा ना पाए, कर लेना स्वीकार भक्त जो भेंट कोई भी लाए। आते जो दरबार अनेकों भेंटे लाते हैं, करती है स्वीकार जो भी श्रद्धा से चढ़ाते हैं। ज्वाला माँ के जयकारे फिर भक्त लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके सुनने से भक्तों के दुख मिट जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, है तेरे हजारों नाम तू बिगड़ी बनाएगा, है तेरे हजारों नाम तू बिगड़ी बनाएगा। शिक्षा इस कथा की होना चाहिए ना अहंकार, वरना फिर क्या लाभ है आके माता के दरबार। मन में नाम हमेशा माँ का रखना चाहिए याद, जितना भी दिया माँ ने उनको देना धन्यवाद। धन माया का क्या है ये तो आनी जानी है, भक्तों ये ही तो कहानी है। हंस राज रिलहन का माता रखना आप ख्याल, हाथ जोड़ तेरी महिमा गाए तेरा डीएस पार। फौजी सुरेश से कभी अनेकों आते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसके सुनने से भक्तों के दुख मिट जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं।